अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ जावेद अहमद मकरूज हूँ केमू से। आज हम सेवन्थ एट्थ क्लास का जो चैप्टर है मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले वहां पे है सिंपल करो। व्हाट इज अ सिंपल करो? सिंपल करो हम उस करो को कहते हैं जो करो अपने आप को इंटरसेक्ट न करती हो, यानी जिस करो में जो भी करो अपने आप को इंटरसेक्ट करती हो, जिसके जो लाइनस होंगे या करो होगी अगर वो अपने आप को इंटरसेक्ट करते हो, ओवरलैप करते हो और क्रॉस करते हो, तो उसको हम सिंपल करो नहीं कहते हैं। हम मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, ये वाली करो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो करो है ये अपने आप को इंटरसेक्ट करती है। जब ये अपने आप को इंटरसेक्ट करेगी तो ये सिंपल करो नहीं है। दिस इज नॉट ए सिंपल करो, ये सिंपल करो नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएंगे, आप देखो यहाँ पे ये वाली करो जो है, अगर ये बनाने में मुश्किल ही है लेकिन यहाँ पे ये करू जो है किसी भी पॉइंट पे किसी भी जगह पे अपने आप को ओवर क्रॉस नहीं कर रही है, अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इस वाली करू को हम कहेंगे ये सिंपल करू है। अब सिंपल करू क्या है? सिंपल करू उस करू को हम कहते हैं जो करू अपने आप को इंटरसेक्ट ना करती हो, जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करती हो, यह वाली करू जो है ये सिंपल करू है। और इसके बाद है जो है वो है क्लोज्ड करू। क्लोज्ड करो हम उस करो को कहते हैं जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा ये वाली करो, आप देख लीजिए, दिस इज नॉट ए सिंपल, दिस इज नॉट ए क्लोज्ड करो, इट इज ए सिंपल करो बट इट इज नॉट ए क्लोज्ड करो। ये क्लोज्ड करो नहीं है क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो इसका क्या है एंडिंग पॉइंट ए और बी, आप देख लीजिए ये दोनों अलग पॉइंट है। अगर ये दोनों पॉइंट सेम होते तो हम इस करो को कहते कि ये एक क्लोज्ड करो है, तो एक क्लोज्ड करो नहीं है, दिस इज एन ओपन करो। तो ये क्या है? ये ओपन करो है। तो अगर हम यहां पे एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस करो की, अब देखिए मैंने स्टार्ट भी यहां से ही किया और यहां तक जब मैं पहुंचा तो यहां भी जो इसका इनिशियल पॉइंट था और जो इसका टर्मिनल पॉइंट था वो दोनों सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट इसका था वो दोनों सेम है, तो इस करू को हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड करू है। तो क्लोज्ड करू, सिंपल करू और क्लोज्ड करू, ये दोनों आपकी समझ में आ गई। जो सिंपल करू होती है वो सिंपल करू क्या होती है, वो उस करू को हम सिंपल करू कहते हैं जिसमें जो कर्व्स होते हैं वो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करते हो, अपने आप को इंटरसेक्ट। और क्लोज्ड करू में क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है अगर वो दोनों सेम होंगे तो उस वाले करू को हम कहेंगे वो क्या है, वो है क्लोज्ड करो। अगर आप इसको देखेंगे ये क्लोज्ड करो नहीं है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट वो ये है एक्स फॉर एग्जांपल है, दिस पॉइंट इज द वाई, दिस वाई, ये जो एक्स है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और जो वाई इसका है टर्मिनल पॉइंट, दिस टू पॉइंट्स आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, एक्स अलग पॉइंट है वाई अलग पॉइंट है, ये सेम पॉइंट नहीं है, तो इस वाले करो को हम क्लोज्ड करो नहीं कहेंगे, ये ओपन करो कहते हैं। हो गया क्लियर? तो इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है वो है पॉलीगन। व्हाट इज ए पॉलीगन? पॉलीगन इसकी मैं डिफिनेशन यहां पे लिखूंगा भी, ए सिंपल क्लोज्ड करो। देखो यहां पे सिंपल क्लोज्ड करो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। आप राइट डाउन भी कर सकते हो, क्या कहते हैं हम इसको, एक पॉलीगन किसको कहते हैं, ए सिंपल क्लोज्ड करो, एक करो जो सिंपल हो, सिंपल मतलब जो उसके जो करो होगी वो कहीं भी अपने आप को इंटरसेक्ट ना करती हो, क्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए और वो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन सेगमेंट इसकी बनी होनी चाहिए, उस वाले करू को हम क्या कहते हैं, उसको पॉलीगन कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो पॉलीगन होता है उसमें तीन सिफत होनी चाहिए, पहले जो वह करू होगी वो सिंपल होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए और मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, सिर्फ ओनली लाइन सेगमेंट्स, यानी लाइन सेगमेंट्स से ही बनी होनी चाहिए। मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूंगा ये वाला, अब देखिए इज दिस अ पॉलीगन, अगर हम बात करेंगे क्या ये पॉलीगन है, तो देखो सबसे पहले जो होना चाहिए इसमें क्या सिफत होना चाहिए, तीन सिफत होनी चाहिए। पहला सिफत यह है कि सिंपल होनी चाहिए। सिंपल का मतलब यह है कि इसकी कोई भी लाइन जो है या कोई कर्व जो है
वो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करती हो। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे ये वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये अपने आप को इंटरसेक्ट करती है ना। जब मैं इंटरसेक्ट करते हो तो ये सिंपल करो नहीं है, तो पहला जो सिफत इसका है वो उसने उसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये वाला ये पॉलीगन नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम यहां पे दूसरी एग्जांपल लेंगे। आप देखो यहां पे ये वाली कर्व जो है ये सिंपल भी है, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट जो इसकी है, जो भी इस कर्व में जो कुछ भी है, यानी ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, कोई भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और इसके अलावा ये क्लोज्ड भी है, और इसके अलावा जो तीसरी ये लाइन सेगमेंट की, सिर्फ लाइन सेगमेंट की बनी हुई है। तो जब इसमें तीनों जो सिफत है पॉलीगन के होते हैं, वो इस तीनों सिफत इसमें है, तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉलीगन है। दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज अ पॉलीगन। पॉलीगन अब समझ में आया, पॉलीगन में क्या होता है, तीन सिफत होनी चाहिए उस फिगर में, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। पहला फिगर सिफत जो होना चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए, यानी कोई भी उसमें करू को इंटरसेक्ट को अपने आप को इंटरसेक्ट किसी भी जगह पे वो करू अपने आप को इंटरसेक्ट ना करती हो। और दूसरा जो है क्लोज्ड होना चाहिए, ये वो बंद शक्ल होनी चाहिए। और तीसरा सिफत जो उसमें होना चाहिए वो सिर्फ लाइन सेगमेंट की बनी हुई होनी चाहिए। जब उसमें तीन सिफत जिस किसी भी फिगर में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया व्हाट इज ए पॉलीगन, ये पॉलीगन क्या है। तो अब पॉलीगन के पॉलीगन में आपको यहां पे दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, आप आराम से देख लीजिए। अगर हम बात करेंगे इस वाले फिगर की, इस जिसे पॉलीगन क्या है, पॉलीगन है, शाबाश, वेरी गुड, ये पॉलीगन नहीं है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे ये वाला जो ये वाली लाइन सेगमेंट जो है, ये वाली लाइन सेगमेंट जो है, पहले आप देखो दो सिफत इसमें है। पहला सिफत जो इसमें है वो ये है कि ये क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट इसमें बनी हुई भी है। लेकिन एक सिफत इसमें नहीं है, ये सिंपल नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बाउंड है, तो हम मान लेते हैं कि जो इसका इंटीरियर पोर्शन है, ये वाला अंदर वाला पोर्शन जो इसका है, दिस रीजन। तो अगर आप इस रीजन की बात करेंगे, दिस इज ए पॉलीगन, जिस पार्ट ये जो ये वाला पार्ट है ये पॉलीगन है। तो मैं आपको कहता हूं कि ये आप इसका इंटीरियर लीजिए, ये वाला पार्ट, या इन पे आप ध्यान मत दीजिए, ये पे इंटरसेक्ट होगी। अदरवाइज अगर हम इनको काट देंगे तो ये वाला साइड यहां से काट देंगे, ये कार से काट देंगे, तो हम इसको फिर बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमें जरूरत लगता है, आप देखिए फिर बाद में। तो यहाँ पे जो है आप इसका इंटीरियर लीजिए। इंटीरियर की जब हम बात करेंगे, ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, और मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स भी है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये पॉलीगन है, ये क्या है, पॉलीगन। इसी तरह हम बात करेंगे, और एक चक्र है यहां पे, आप देख लीजिए, अगर इसके इंटीरियर की हम बात करेंगे, आप देखिए इसका इंटीरियर जो है, दिस इज अ पॉलीगन, ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, और मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स भी है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसी पॉलीगन की, इसी पॉलीगन की बात, ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन, खुद है आज दो क्वेश्चन थे।